आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। जनता के सामने कांग्रेस का झूठ बार बार नहीं चलेगा, विप्लव देव। विप्लव देव ने कार्यकर्ताओं के सामने रखे 18 बिंदु। भाजपा के हरियाणा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने फरीदाबाद में पदाधिकारियों के साथ की रणनीतिक चर्चा। फरीदाबाद 4 जुलाई हरियाणा भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने रात 8 बजे फरीदाबाद में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि कांग्रेस का झूठ जनता में बार बार नहीं चलेगा, इसलिए स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए भाजपा ही तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर एक नया इतिहास बनाएगी। विप्लव देव रेवाड़ी और परवल में पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद फरीदाबाद पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों से संवाद किया। विप्लव देव ने पदाधिकारियों की बातें सुनी और विश्वास दिलाया कि केंद्र और राज्य में भाजपा ने 10 साल में जितने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं उतने कांग्रेस ने दशकों तक शासन करने के बाद भी नहीं किए। गुरुवार को हुई इस बैठक में मंडल जिला व प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अलावा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैनों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में श्री देव ने पदाधिकारियों से संगठन व सरकार के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि संगठनात्मक शक्ति में हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बस मन में जीत को ठानकर बताए हुए कार्य करना है, निश्चित ही हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। पदाधिकारियों की बातों को भी श्री देव ने गंभीरता से चुना। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन और सरकार से संबंधित कई मुद्दों को चुनाव सह प्रभारी के सामने रखा। विप्लव देव ने कहा कि जनहित में तीसरी बार भाजपा सरकार जरूरी है। बैठक में 18 बिंदुओं पर कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश विप्लव देव ने दिए। श्री देव ने महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चों को जनसंपर्क करने और महिला और युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए लक्ष्य दिया। श्री देव ने कहा कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, इसलिए कोई भी वर्ग कांग्रेस को सत्ता में देखना नहीं चाहता और सभी वर्ग भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपना चाहते हैं। विप्लव देव ने पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव जीतने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप इस दायित्व को निश्चित ही निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ता 100% मेहनत करता है तो परिणाम भी 100% ही मिलेगा। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, प्रदेश संगठन महामंत्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री मोहन लाल बडोली, विधायक नयन गुप्ता, राष्ट्रीय परिषद सदस्य संदीप जोशी, जिला प्रभारी जीएल शर्मा, जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोहन पाल सिंह, ओम प्रकाश रेक्सवाल, महापौर सुमन बाला, वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री नीरा तोमर, पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पूर्व विधायक नगेंद्र बडाना, चंद्र भाटिया, टेक चंद्र शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी, जिला परिषद चेयरमैन विजय लोहिया, उप चेयरमैन धर्म चौधरी, उप महापौर मनमोहन गर्ग, टीपर चंद शर्मा, जिला महामंत्री सुरेंद्र जागड़ा, मनोज वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा, पूर्व जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल, आर एन सिंह, ब्लॉक समिति चेयरमैन चंद्रपाल, जिला उपाध्यक्ष वजीर सिंह डांगर, सुखबीर मलेरना, अनिल नागर, पंकज रामपाल, पंकज सिंगला, भारती भाकुनी, लक्ष्मण तनवर, जिला सचिव मुकेश अग्रवाल, पंकज सिवाल, लाल मिश्रा, गोल्डी अरोड़ा, सुनीता बघेल, कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा, कार्यालय सचिव राजेश डागर, सचिन गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी विनोद गुप्ता, सह मीडिया प्रभारी राज मदान, प्रदेश पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री, प्रकोष्ठों एवं विभागों के जिला संयोजक, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।